वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, इससे पहले कि अपनी वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 को कंप्लीट कर चुके हैं, आज की अपनी इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.4। एक्सरसाइज 9.4 को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले देखने होंगे जिनकी मदद से हम एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ फॉर्मूले आपको दे रखे हैं, ये फॉर्मूले भी हैं और एक क्वेश्चन भी है। यदि आपसे एग्जाम में इस तरह पूछ लिया जाए 1/(x²-a²dx) को प्रूव कीजिए कि ये होता है 1/(2a)(x-a)(x+a+c), तो हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो ये जो सभी फॉर्मूले हैं आपके, ये क्वेश्चंस भी हैं और एक्सरसाइज में हम इन्हें एज ए फॉर्मूला भी यूज करेंगे। तो देखिए, यहां पर 1/(x²-a²dx) किसके बराबर होता है हमारा 1/(2a)(x-a)(x+a+c), 1/(a²-x²dx), 1/(2a)(log(a+x)(a-x+c)। इन क्वेश्चंस को बेसिकली हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की मदद से सॉल्व करेंगे। और देखिए किस तरीके से, यदि हमें यहाँ पर a²-x² टाइप का फॉर्मूले में दिखता है, या मैं हमें इस किसी भी फॉर्मूले के अंदर a²-x² टाइप की फॉर्मेशन दिखती है, तो हम उसके अंदर x को a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा पुट करते हैं। यदि हमें फॉर्मूले में a²+x² देखे, तो हम वहाँ पर x को a टेन थीटा या फिर a कॉट थीटा पुट करते हैं, या फिर हमें x²-a² टाइप की फॉर्मेशन दिखे, तो हम x को a sec थीटा या फिर a cosecant थीटा पुट करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जब हम इसमें x की जगह a sin थीटा पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आपकी जो टर्म है वो बन जाएगी a²-a²sin²θ, और यहाँ से फॉर्मूला मिलेगा 1-sin²θ, और फिर हम इसे ब्रेक करके आगे इंटीग्रेट कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमें मिलेगा 1+tan²θ, और यहाँ पर मिल जाएगा sec²θ-1। इन फॉर्मूलों को बनाने के लिए हम इस तरह के सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पर करते हैं। अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट फॉर्मूला क्या दे रखा है हमें, 1/(x²-a²dx) इज इक्वल टू। अब देखिए, मैं यहाँ पर a²-b² का फार्मूला लगा सकता हूँ, वो क्या होता है 1/(x-a)(x+a)dx। अब देखिए, इस टर्म को 1/(x-a)(x+a) को हम ब्रेक कर लेंगे। यहां पर देखिए, 1/(x-a)(x+a) को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे, 1/(x-a)-1/(x+a)। अब देखिए, यहां पर हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 1/(x-a)(x+a)(x+a), यहां पर आ जाएगा -(x+a)। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या आया 2a/(x-a)(x+a)। तो 1/(x-a)-1/(x+a) किसके बराबर आया है 2a/(x-a)(x+a)। 2a को इस तरफ ले आएंगे, 1/(2a)(1/(x-a)(1+x+a) इज इक्वल टू 1/(x-a)(x+a)। तो 1/(x-a)(x+a) को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 1/(2a)(1-x-a)-1/(x+a)। हमने इसको इस तरीके से क्यों ब्रेक किया है, क्योंकि यहाँ पर इन फॉर्म्स का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो हम इसके जगह पर इस टर्म को लिख देंगे, यहाँ पर ये 1/2a, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा 1/(x-a)-1/(x+a)dx। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल लगा देंगे, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x-a)dx-1/(x+a)dx। अब देखिए, यहाँ पर हम इस x-a को t पुट कर लेंगे, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dx इज इक्वल्स टू dt, और यहाँ पर इस x+a को हम कोई अलग वेरिएबल मान लेंगे, समथिंग जैसे z मान लिया, तो यहाँ पर dx किसके बराबर आएगा, dz के बराबर आएगा। अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आ जाएगा 1/2a 1/t, इसको t माना है, dx हो गया dt माइनस
वन अपॉन एक्स प्लस ए को माना है जेड और डी एक्स बराबर है हमारा डी जेड के। तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, वो होता है लॉग टी माइनस इसका होगा लॉग जेड प्लस सी। अब देखिए यहां पर t की क्या वैल्यू है, x माइनस ए, ये आएगा 1 बाई टू ए लॉग x माइनस ए माइनस लॉग z की क्या वैल्यू है हमारी, z की वैल्यू है x प्लस ए प्लस सी। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, लॉग b बाई ए किसके बराबर होता है, लॉग b माइनस log a। तो log b माइनस log a को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये टर्म्स क्या बन जाएंगे आपकी, 1 बाई 2a log x माइनस ए, यहां पर इनका मॉड्यूलस है x माइनस ए अपॉन x प्लस a प्लस सी। तो आपकी क्या वैल्यू आई है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 1 बाई 2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस a प्लस सी। अब देखते हैं सेकंड फॉर्मूला अपना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब देखते हैं अपना सेकंड फॉर्मूला, देखिए क्या है, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। हम इस क्वेश्चन को भी इसकी तरह ही सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली जैसे हमने फर्स्ट वाले फॉर्मूले को सॉल्व किया है ना, सेकंड वाले को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां पे हो जाएगा a प्लस एक्स ए माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए यहां पर हम इस टर्म को ब्रेक कर लेंगे, यहां पर वन अपॉन ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस वन अपॉन ए प्लस एक्स, दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा दोनों को। ऊपर एक्स वाली टर्म नहीं बननी चाहिए, कांस्टेंट बनेगा उसे हम बाहर ले आएंगे, लेकिन ऊपर एक्स वाली टर्म नहीं बननी चाहिए। इस तरीके से हमें उस फंक्शन को ब्रेक करना है, यहाँ पर एलसीएम आएगा ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, यहाँ पर आएगा ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये आएगा टू ए अपॉन ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। तो इस 2a को इधर ले आएंगे, 1 बाई 2a 1 अपॉन a माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। तो 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स को 1 बाई 2a 1 अपॉन a माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन a प्लस एक्स आपका लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर ये सब्सटीट्यूशन कर देंगे, 1 बाई 2a कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये आएगा वन अपॉन ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स डी एक्स। अब देखिए यहां पर जो ए माइनस एक्स है दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल लगा देंगे हम, यहां पर ये हो जाएगा वन अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स। अब देखिए जो ये a माइनस एक्स है इसको हम t सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो यहाँ से यह आपका आएगा, देखिए a का तो डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, तो डी एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस डी टी, ए प्लस एक्स को हम समथिंग कोई अलग वेरिएबल z मान लेते हैं, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करेंगे, 1 बाई टू ए वन अपॉन टी माइनस डी टी प्लस वन अपॉन ये आपका z है और ये डी जेड के बराबर है। तो वन ये माइनस साइन बाहर ले लेंगे यहाँ से, वन बाई टू ए माइनस साइन बाहर आ जाएगा, वन बाई टी का इंटीग्रेशन log t प्लस इसका हो जाएगा log z प्लस c। अब देखिए इस टर्म को हम अलग लिख लेंगे, वन बाई टू ए पॉजिटिव वाली टर्म आगे आ जाएगी log z माइनस log t प्लस सी। जेड किसके बराबर है हमारा, ए प्लस एक्स के बराबर है, वन बाई टू ए लॉग ए प्लस एक्स माइनस टी किसके बराबर है, ए माइनस एक्स के लॉग ए माइनस एक्स प्लस सी। लॉग बी बाई ए वाली प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग बी बाई ए इज इक्वल्स टू लॉग बी माइनस लॉग ए। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देंगे, वन बाई टू ए लॉग
ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। तो देखिए 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। देखिए अगला फॉर्मूला है हमारा 1/x² प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स। हमने बताया जब भी एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टाइप का इंटीग्रेशन आएगा आपका, तो हम उसके अंदर x को a tan थीटा पुट करते हैं। तो हम यहाँ पर भी x को a tan थीटा पुट कर देंगे, x इज इक्वल्स टू a tan थीटा। अब देखिए हमें dx की वैल्यू की ज़रूरत होगी, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। dx इज इक्वल्स टू a tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। x का तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा d थीटा बाई dx, dx को इधर ले आएंगे। तो dx की वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ पर अब हम सब्सटीट्यूशन करेंगे। 1 अपॉन x को पुट करना है, a स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, dx की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। नीचे से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर कॉमन, अंदर बनेगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा नहीं होगा, हमने इसको टेन थीटा पुट किया है, तो एक्स स्क्वायर होगा ए टेन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे ऊपर रहेगा 1 अपॉन ए sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है हमारा, sec स्क्वायर थीटा के, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे डी थीटा। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और यहाँ पे आया 1/a 1 डी थीटा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करते थे, तो x होता था थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो होगा थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर tan थीटा होगा हमारा x बाई ए को इस तरफ लेके जाएंगे और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x बाई ए। तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया है, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, हेंस प्रूफ। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला आपका। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। हमने बताया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाली टर्म जब भी आएगी हम x को a sin थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम x को a sin थीटा पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें डिफरेंट dx की वैल्यू की ज़रूरत होगी। dx इज इक्वल्स टू ये आएगा a cos थीटा d थीटा। आप सब्सटीट्यूशन करेंगे यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स क्या है ए साइन थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे ए कॉस थीटा डी थीटा। ए स्क्वेयर नीचे से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर ए कॉस थीटा, यहाँ से ले लिया ए स्क्वेयर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा डी थीटा। ए स्क्वेयर रूट से बाहर आके क्या बचेगा, ये बन जाएगा आपका ए ऊपर है ए कॉस थीटा डी थीटा, रूट से ये बाहर आएगा ये ए बन जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वेयर थीटा के बराबर, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा ए कॉस थीटा अपॉन ए कॉस थीटा डी थीटा। ए से ए कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आया 1 डी थीटा। 1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए एंड थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स
एक्स बाई ए, पुट करेंगे वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो वन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स किसके बराबर है हमारा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। हमने इस पार्ट को भी प्रूफ कर दिया है आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट आपका। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, वन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स। हमने बताया जब भी एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर टाइप की टर्म आएगी तो हम x को a sec थीटा पुट कर लेंगे, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे पुट x इज इक्वल्स टू a sec थीटा। हमें dx की वैल्यू की ज़रूरत होगी, dx a कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, और sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec थीटा इंटू tan थीटा और d थीटा आपका। अब देखिए यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज, x क्या है a स्क्वेयर sec स्क्वेयर थीटा माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ए sec थीटा tan थीटा d थीटा। अब देखिए ए स्क्वेयर नीचे से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आएगा ए sec थीटा tan थीटा और ए स्क्वेयर बाहर आके बनेगा ए, यहाँ पे बचा sec स्क्वेयर थीटा माइनस वन डी थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा sec थीटा tan थीटा अपॉन sec स्क्वेयर थीटा माइनस वन होता है हमारा tan स्क्वेयर थीटा के बराबर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा sec थीटा इंटू tan थीटा अपॉन tan थीटा डी थीटा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा sec थीटा डी थीटा। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है हमारा, हम पहले पढ़ चुके हैं इसे, इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है log sec x प्लस tan x प्लस c, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी, इंटीग्रेशन हो गया। बस इस थीटा वाली टर्म को यदि हम एक्स में चेंज कर दें तो हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए sec थीटा की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से हमें मिला विच इम्प्लाइज sec थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए, sec थीटा की वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पर, बट हमें चाहिए tan थीटा की वैल्यू भी, तो हम जानते हैं sec स्क्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू वन, यहाँ से हम tan की वैल्यू निकालें, tan थीटा निकालें तो वो किसके बराबर होगा, sec स्क्वेयर थीटा माइनस वन का रूट, इसे इस तरफ लाए और स्क्वेयर को इधर ले गए, रूट बन गया। sec थीटा की वैल्यू क्या है, x बाई ए, यहाँ पे पुट करेंगे x स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, LCM आया ए स्क्वेयर, दोनों पे अलग अलग रूट चढ़ाएंगे, ये होगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसल, ये आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई ए, तो tan थीटा की क्या वैल्यू आई है हमारी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई ए। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या मिलेगा, लॉग sec थीटा किसके बराबर है, एक्स बाई ए के, प्लस tan थीटा किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई ए प्लस सी, दोनों में से एलसीएम ले लेते हैं, ये आएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई ए प्लस सी, लॉग बी बाई ए का फॉर्मूला लगाएंगे, ये बन जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस लॉग ए प्लस सी। अब देखें लॉग ए कोई भी वेरिएबल वाला पार्ट नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या है आपका, एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, और हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन में केवल एक ही कांस्टेंट हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो इन दोनों को हम एक अलग से कांस्टेंट मान लेंगे सी, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। तो आपके इंटीग्रेशन के इस पार्ट को भी हमने प्रूव कर दिया है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स,
एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाली कंडीशन में हम x को पुट करते हैं a tan थीटा, तो हम यहाँ पर x को पुट कर लेंगे a tan थीटा। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx इज इक्वल्स टू a और tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वेयर थीटा d थीटा। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन अंडर रूट x की जगह a tan थीटा, ये बन जाएगा a स्क्वेयर tan स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर। डी एक्स की भी वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं ए सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा। अब देखिए नीचे से ए स्क्वेयर कॉमन लेंगे बाहर आके, वो ए बन जाएगा आपका और अंदर बचेगा वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा डी थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया, सेक स्क्वेयर थीटा वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा सेक स्क्वेयर थीटा के बराबर होता है, यहाँ पे है सेक स्क्वेयर थीटा अंडर रूट ऑफ sec स्क्वेयर थीटा डी थीटा। स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा sec स्क्वेयर थीटा अपॉन sec थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा डी थीटा। हम जानते हैं कि sec थीटा sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, log sec x प्लस tan x प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, हमारे पास tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर है, tan थीटा की वैल्यू है x बाई ए, और हम जानते हैं sec स्क्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वेयर थीटा वन के बराबर है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या रहेगी हमारी यहाँ पर sec स्क्वेयर थीटा माइनस वन। sec स्क्वेयर थीटा सॉरी हमें यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू गिवन है, sec थीटा की निकालनी है, तो sec थीटा निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। sec थीटा किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू है x बाई ए, तो यहाँ पर पुट करेंगे x स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, एलसीएम लेंगे ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर यहाँ आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो sec थीटा की वैल्यू क्या आएगी ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए। यहाँ पर दोनों वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे, log tan थीटा की वैल्यू है x बाई ए और sec थीटा की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बाई ए प्लस सी। दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई ए प्लस सी। log b बाई ए का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा आपका log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस लॉग ए प्लस सी। यहाँ पर देखिए लॉग ए एक कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को मान के हम एक अलग कांस्टेंट मान लेंगे c, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। तो हमने इस पार्ट को भी प्रूफ कर दिया है आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला आपका, देखिए क्या दे रखा है हमें, वन अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स। एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाली कंडीशन में ए को सेक थीटा पुट करेंगे, तो यहां पर ए को पुट कर दिया सेक थीटा। अब देखिए हमें सॉरी एक्स को पुट किया है ए सेक थीटा, डी एक्स की वैल्यू की ज़रूरत होगी, तो इसका डिफरेंशिएशन करके हम डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी, वो आएगी ए और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे डी थीटा अपॉन एक्स को हमने माना है ए सेक थीटा, ए सेक थीटा यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा माइनस ए स्क्वेयर, दोनों में से ए स्क्वेयर कॉमन लेंगे बाहर आके ये क्या बन जाएगा ए बन जाएगा आपका, ये ए से ए कैंसिल हो गया वन बाई ए, इस ए को हमने यहाँ पर लिख लिया है, यहाँ है सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन ये सेक स्क्वेयर थीटा माइनस वन क्या होता है हमारा टेन स्क्वेयर थीटा, तो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे टेन स्क्वेयर थीटा, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा वन अपॉन ए sec थीटा tan थीटा डी थीटा अपॉन tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा बचेगा यहाँ पर tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया 1 बाई ए
sec थीटा d थीटा। अब sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1 बाई ए log sec थीटा प्लस tan थीटा। देखिए हम यहाँ पर sec थीटा को भूल गए हैं, यहाँ पर sec थीटा से sec थीटा भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर केवल tan थीटा बचेगा, ये sec थीटा नहीं है। यहाँ पर हमने sec थीटा को नहीं काटा था जो अपने फॉर्मूले में था, अब यहाँ पर sec थीटा हटके केवल tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1 बाई ए थीटा डी थीटा। और देखिए थीटा नहीं 1 बचेगा क्योंकि 1 बचा है यहाँ पर 1 बाई ए, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा प्लस सी 1 बाई ए थीटा। यहाँ से हम निकाल लेंगे sec थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए, इको इस तरफ ले जाएंगे थीटा इज इक्वल्स टू sec इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहाँ पे आएगा sec इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो हमारे इंटीग्रेशन 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स बराबर आया है 1 बाई ए sec इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो देखिए हमने फॉर्मूले सभी कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.4। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है हमें, 1 अपॉन 9 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डी एक्स। बेसिकली इस इंटीग्रेशन में हम वही फॉर्मूले यूज करेंगे जो अभी हमने पढ़े हैं। सबसे पहले इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो हम उसमें सबसे पहले एक्स स्क्वेयर का जो कॉफिशियंट होता है उसे 1 बनाते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का कॉफिशियंट 9 दे रखा है हमें, तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, हमने यहाँ से 9 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई 9 डी एक्स, तो ये 1 बाई 9 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ बना एक्स स्क्वेयर माइनस इस 1 बाई 9 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 बाई 3 का स्क्वेयर डी एक्स। यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है देखिए कौन सा, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स, और ये किसके बराबर होता है 1 बाई 2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे क्या होगा इसका इंटीग्रेशन 1 बाई 9 1 बाई 2 ए 1 बाई 2 इंटू ए का काम क्या कर रहा है 1 बाई 3 लॉग एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए क्या है 1 बाई 3 अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 1 बाई 3 प्लस सी। अब देखिए इस 3 को ऊपर ले जाएंगे, ये होगा 3 इंटू 2 बाई 9 लॉग, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी 3x माइनस 1, यहाँ पर भी एलसीएम आएगा 3, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 प्लस सी। 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा और यहाँ पे ये 3 ऊपर जाएगा, 3 बनेगा देखिए 3 से 3 टाइम्स, ये होगा 1 बाई 6 लॉग 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा 1 बाई 6 लॉग 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 प्लस सी। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है हमें यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वेयर। तो यहाँ पर भी देखिए x स्क्वेयर का कॉफिशियंट 1 नहीं दे रखा, हम पहले इसमें x स्क्वेयर का कॉफिशियंट 1 बनाएंगे उसके बाद हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 बाई 4 माइनस x स्क्वेयर डी एक्स, 1 बाई 4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इस 1 बाई 4 को मैं ऐसा लिख दूंगा यहाँ पर 1 बाई 2 का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब यहाँ पर देखें कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हमारा, ये बन रहा है यहाँ पर 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और ये किसके बराबर होता है हमारा 1 बाई 2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। अब देखें यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे 1 बाई 4 1 बाई 2 ए क्या है 1 बाई 2 लॉग ए प्लस एक्स, यानी 1 बाई 2 प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स मीन्स 1 बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 1 बाई 4 लॉग एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2 1 प्लस 2 एक्स
अपॉन यहाँ पर एलसीएम आएगा 2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 बाई 4 लॉग 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, 1 बाई 4 लॉग 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x प्लस सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, 1 अपॉन 9 प्लस 25 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 नहीं दे रखा, तो हम इसको 1 बनाएंगे पहले, यहाँ से 25 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 25 9 बाई 25 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे डी एक्स, 1 बाई 25 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस 9 बाई 25 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 बाई 5 का स्क्वायर डी एक्स, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर देखिए ये किस क्या फॉर्मूला बन रहा है हमारा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर होता है, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पर 1 बाई 25, 1 बाई ए मीन्स 1 अपॉन ए क्या है 3 बाई 5, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स अपॉन ए क्या है 3 बाई 5 प्लस सी। अब देखिए 5 ऊपर चला जाएगा, 5 अपॉन 3 इंटू 25 टेन इनवर्स, ये 5 ऊपर चला जाएगा 5x बाई 3 प्लस सी, 5 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 15, 3 इंटू 5 आएगा 15 टेन इनवर्स 5x बाई 3 प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारा, 1 बाई 15 टेन इनवर्स 5x बाई 3 प्लस सी। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 बाई 4 है, तो हम इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर लेंगे। अब इस 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आएगा डी एक्स अपॉन, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये किसका तरह का फॉर्मूला बन रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स जो होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 4 1 बाई ए मीन्स 1 बाई ए क्या है 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स बाई 2 प्लस सी, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 टेन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, 2 टेन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। तो अब देखिए फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है हमें, 1 अपॉन 32 माइनस 2x स्क्वायर dx। यहाँ पर भी x स्क्वायर का कोफिशियंट 1 नहीं है, हम इसको 1 बनाएंगे, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये आएगा 2 32 बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 2 से ये 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, ये आएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 16 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए ये किस तरह का इंटीग्रेशन बन रहा है हमारा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये किसके बराबर होता है 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो हम लगाएंगे फार्मूला यहाँ पर, 1 बाई 2 log a प्लस एक्स मीन्स 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारा, 1 बाई 2 log 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पर हम 1 बाई 2 a लिखना भूल गए हैं, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ये 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, ये 1 बाई 2 a, 1 बाई 2 a, a का काम क्या कर रहा है यहाँ पर, 4 log a प्लस एक्स यानी 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस सी, और ये बन जाएगा आपका 4 इंटू 2 16, 1 बाई 16 log 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 1 बाई 16 log 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस सी।
तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।